अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो वेलकम टू माय चैनल ज़ुल्करनैन व्लॉग्स। तो सबसे पहले आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और आज की वीडियो एक शॉर्ट सी वीडियो है जिसमें मैं आपको इसकी फ्रंट डिस्क के बारे में बताऊँगा, जो कि डबल कैलिपर पिस्टन डिस्क ब्रेक है, लेकिन इसमें कुछ फॉल्ट हैं जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। कई लोगों को ये मालूम ही नहीं है और वो होंडा शोरूम पे विजिट करते हैं कि यार इस डिस्क ब्रेक से आवाज़ क्यों आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी आप देख सकते हैं, इसमें आपको प्ले मिलती है, वो इसके रबड़ों में होती है, उसका कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, इशू नहीं है। लेकिन जब आप बाइक किसी मतलब के ऊंचाई वाली जगह से उतारेंगे और फ्रंट डिस्क ब्रेक को अगर आप प्रेस करेंगे तो ये फ्रंट से डिस्क आवाज़ करती है, जो कि काफ़ी गंदा साउंड करती है, और कभी कभी तो आपको स्लो स्पीड पे भी ये साउंड देती है जो कि काफ़ी बुरी लगती है। और ये इसका कंपनी फॉल्ट है। मैंने पहले CB150 ऐप पे भी दिखाया था होंडा शोरूम को कि यार आपकी डिस्क फ्रंट से आवाज़ करती है, तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि आपकी डिस्क ब्रेक जैसे ही यूज़ होगी तो कुछ अरसे बाद इसका साउंड ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये साउंड मेरे एक और फ्रेंड हैं, उनकी बाइक में भी ये है और ये तकरीबन कंपनी फॉल्ट है, जो कि ये सही नहीं कर पा रहे। इनका साउंड डिस्क ब्रेक से आता ही है, मींस अगर आप स्लोप चलाएं, खड्डों वगैरह में चलाएं तो ये फ्रंट से डिस्क आवाज़ करती है, और अगर आप कोई ऊंचाई वाली जगह से बाइक को नीचे करें तो काफ़ी बुरी आवाज़ निकालती है, और ऐसे लगता है कि जैसे आपकी डिस्क ब्रेक खुश्क हो चुकी हो, मतलब ड्राई हो। एक बार मैंने CB पे ये भी एक्सपेरिमेंट किया था कि मैंने डीज़ल लगाया था होंडा शोरूम वालों के कहने पे कि आप डीज़ल लगा लें, हो सकता है ये नई डिस्क ब्रेक है, खुश्क है, तो डीज़ल लगाने से इसकी डिस्क ब्रेक सही हो जाए। लेकिन इसकी डिस्क ब्रेक का फ्रंट साउंड ये इसका कंपनी फॉल्ट है, जो कि एटलस होंडा को चाहिए कि इस साउंड को वो ख़त्म करें और इस प्रॉब्लम को वो बिल्कुल दूर कर दें। तो फ्रेंड्स, आज की एक शॉर्ट वीडियो थी, मैंने सोचा कि मैं अपने व्यूवर्स जिनके पास CB150F है और उनको पता नहीं है कि इस फॉल्ट का, तो उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, क्योंकि कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और वो पता भी करते हैं कि यार ये फॉल्ट क्यों है। तो उन लोगों के लिए मैंने आज की वीडियो बनाई है कि जिन लोगों के पास CB150F है तो उनको ये पता हो कि इसका डिस्क की जो साउंड है वो इसका कंपनी फॉल्ट है, जो कि चलने के बाद हो सकता सही हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये साउंड सही हो। ये अगर आप स्पीड पे जा रहे हैं फिर ये साउंड आवाज़ नहीं करता, अगर आप स्लो खड्डों वगैरह पे चला रहे होते हैं, ब्रेक का इस्तेमाल करें डिस्क फ्रंट ब्रेक का, तब ये साउंड करते हैं, या आप ऊंचाई वाली जगह से नीचे बाइक को उतार रहे हो और डिस्क ब्रेक का यूज़ करें तो ये साउंड निकालती है। बहरहाल आज की शॉर्ट वीडियो थी, इसकी सोल्यूशन भी हम देखेंगे, अगर इसकी सोल्यूशन मुझे मालूम हुई तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगा। तो आज की शॉर्ट वीडियो के साथ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।